बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इस खुशी के मौके पर उनके सभी फैंस खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आमिर खान गिफ्ट के मामले में थोड़े से कच्चे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान आमिर खान ने बताया था कि किस तरह शाहरुख खान के दिए एक तोहफे को उन्होंने 5 सालों तक नहीं खोला था, जिसके बाद वो तोहफा खराब भी हो गया था। दरअसल आमिर खान ने हमेशा एक बात साफ कही है कि वो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत कच्चे हैं, और जितने वो टेक्नोलॉजी में कच्चे हैं उतने ही शाहरुख खान काफी ज्यादा अपडेटेड रहते हैं। आमिर खान ने उस दौर के बारे में बताया जब शाहरुख और वो 1990s के जमाने में यूके और यूएसए में शो कर रहे थे। उस वक्त शाहरुख खान ने आमिर के साथ शॉपिंग करने का फैसला किया और उन्हें एक तोशिबा का लैपटॉप बेहद पसंद आया। शाहरुख ने आमिर से कहा कि वो इस तोशिबा के लैपटॉप को खरीद रहे हैं तो आमिर को भी खरीद लेना चाहिए, लेकिन आमिर मना करते रहे। आखिरकार शाहरुख खान ने खुद ही आमिर के लिए वापस लौटते वक्त वो लैपटॉप खरीद लिया और उसे आमिर को गिफ्ट के तौर पर दिया। लेकिन आमिर खान टेक्नोलॉजी के मामले में इतने कच्चे हैं कि उन्होंने कभी उस लैपटॉप को खोला ही नहीं। फिर 5 सालों बाद आमिर के एक मैनेजर ने यूं ही आमिर से पूछ लिया कि क्या वो उस लैपटॉप को यूज कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी आमिर को उस लैपटॉप को यूज करते नहीं देखा। आमिर ने उस मैनेजर को इस बात की परमिशन दे दी, लेकिन जब उस मैनेजर ने लैपटॉप को ऑन करने की कोशिश की तो वो ऑन हुआ ही नहीं, जिसके बाद पता चला कि वो लैपटॉप बंद रखे रहने से खराब हो गया है। और आमिर खान को आज भी शाहरुख के दिए गए तोहफे को ना यूज करने का रिग्रेट होता है। व्हाट्सएप बॉलीवुड की तरफ से आमिर खान को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको क्या कहना है कमेंट कीजिए, और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।